18 नवंबर 1962 की सुबह 3 बजे लद्दाख की रजांगला आर्मी पोस्ट जमा देने वाली ठंड में मेजर शैतान सिंह अपने 124 जवानों के साथ 303 राइफल और लाइट मशीन गन लेकर डटे हुए थे। अचानक 2000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। हमारे जवानों ने 1300 चीनी सैनिक मार गिराए और उन्हें श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ने से रोक दिया। इस जंग के हीरो थे मेजर शैतान सिंह, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज हम इस वीडियो में भारत के इसी वीर सपूत की बहादुरी की कहानी जानेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी पुण्यतिथि थी दोस्तों, इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन 124 माटी के लालों को याद करेंगे, जिनकी बहादुरी को देखते हुए चीन के हजारों सैनिक भाग खड़े हुए थे। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह, रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र और उनके साथी सिपाही भारत चीन सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, तभी 18 नवंबर 1962 को अचानक चाइनीज सिपाही गोलाबारी शुरू कर देते हैं। एक गोली रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र के पास से गुजरती है, तभी मेजर शैतान सिंह रामचंद्र से कहते हैं, मुझे अपनी राइफल दो। उन्होंने राइफल लिया, निशाना साधा और सीधे उस LMG वाले को ढेर किया जो लगातार फायरिंग कर रहा था। इसके बाद तो जैसे मेजर शैतान सिंह में जवानों वाला जोश आ गया, उन्होंने दनादन फायरिंग करना शुरू कर दिया और दर्जनों चीनी जवानों को ढेर कर दिया। इस दौरान शैतान सिंह के पेट में एक साथ 10 से 12 गोलियां आकर लगी। इससे पहले भी उनके हाथ में एक गोली लग चुकी थी। वे हाथ में पट्टी बांधकर मोर्चा संभाले हुए थे। पेट में इतनी गोलियां लगने के बाद वे नीचे गिर गए, लेकिन उनकी सांसें अभी भी चल रही। 12 गोलियां लगने के बाद भी भारत का ये माटी का लाल हार नहीं मानता है, बल्कि रेडियो ऑपरेटर से कहता है कि मेरे पेट की बेल्ट खोल दो, मुझे गोलियां चलाने में दिक्कत हो रही है। रामचंद्र ने हाथ डाला तो देखा कि पेट की आधी आंतें बाहर आ चुकी हैं। अगर बेल्ट खोलता तो सारी आंतें बाहर आ जाएं। ऐसे में अगर मेजर शैतान सिंह के बचने की थोड़ी सी भी संभावना होती तो फिर वो भी चली जाती, इसलिए उन्होंने बेल्ट नहीं खोला। लेकिन अब तक भारत के गिने चुने सैनिक ही बचे थे। एक तरफ भारत के 124 शेर थे तो दूसरी तरफ चालबाज PLA के सिपाही। लेखक रचना विशिष्ट अपनी किताब ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में लिखती हैं कि मौसम बहुत सर्द था और जवानों के पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे। उन्हें सामान्य गर्म कोट देकर ही मोर्चे पर भेज दिया गया था। इनमें से अधिकांश सैनिक हरियाणा से थे और उन्होंने पहली बार ऐसी बर्फबारी देखी थी। बावजूद इसके मेजर शैतान सिंह ने उनमें जोश भर रखा था। हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले मेजर शैतान सिंह के बॉडीगार्ड रहे हवलदार निहाल सिंह बताते हैं कि खराब मौसम के चलते 11 बजे से पहले कभी भी हेडक्वार्टर से बात नहीं हो पाती थी। चीन से इससे पहले भी तीखी झड़प हो चुकी थी। 2 दिन पहले ही हमने चीन के कुछ सैनिकों को जासूसी करते हुए मार गिराया था। चीन भारत के कई किलोमीटर अंदर घुस आया था, जिससे चीन भारत युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। 18 नवंबर की सुबह करीब 3:30 बजे चीन की तरफ से रोशनी के साथ कारवां तेजी से आता दिखा। फायरिंग रेंज में आते ही भारतीय जवानों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब तक दुश्मन की चाल का पता चलता तब तक सेना की गोलियां काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। चीनी सैनिकों ने याक और घोड़ों के गले में लालटेन लटकाकर भारतीय सीमा की ओर दौड़ा दिया था, ताकि असला और बारूद खत्म करवाया जा सके। उस वक्त 124 जवानों पर करीब 100 हथगोले, 300 से 400 राउंड गोलियां और कुछ पुरानी 303 बंदूकें थी, जबकि सामने 1300 से ज़्यादा चीनी सैनिक सेल्फ लोडिंग राइफल्स और असला बारूद से लैस थे। लेकिन दुश्मन सेना को मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियंस का हौसले का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। चीनी सैनिकों ने सोचा भी नहीं था कि भारत के ये लाल अपनी माटी से इतना प्यार करते हैं कि उनका ये खाली हाथ ही सामना कर सकते हैं। सुबह 4 बजे 7 पलटन के एक जवान ने संदेश भेजा कि करीब 300 से 400 चीनी सैनिक उनकी पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। तभी 8 पलटन के जवान ने भी मैसेज किया कि करीब 800 चीनी सैनिक उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर ने अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन हालात को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें बटालियन के साथ पीछे हटने और जान बचाने का आदेश दिया। लेकिन भारत के ये शेर पीछे कहाँ हटने वाले थे। मेजर शैतान सिंह गोलियां चलाते रहे और बीच बीच में हर पलटन के साथ जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने जवानों से एक गोली के बदले एक चीनी सैनिक की जान मांगी। इस एक तरफा जंग में भारतीय जवान शहीद हो रहे थे और जो जवान बचे थे वो भी घायल हो चुके थे। मेजर शैतान सिंह भाटी खुद खून से लथपथ थे। 2 जवानों ने घायल मेजर को वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र से कहा कि तुम जाओ और बताना कि हम आखिर तक कैसे लड़े थे, सबको हमारे जवानों का शौर्य पता चलना चाहिए। रामचंद्र ने आनाकानी की। मेजर ने पूरी ठहस से कहा कि ये मेरा आदेश है, और ये कहकर वो बेहोश हो गए। रामचंद्र उन्हें कंधे पर उठाकर नीचे लाए और एक बड़े पत्थर के नीचे छिपा दिया। तब तक मेजर शैतान सिंह की सांसें थम चुकी थीं। मेजर शैतान सिंह भाटी की वीरता और देश प्रेम के लिए 1963 में मरणोपरांत भारत सरकार ने परम वीर चक्र से सम्मानित किया। दोस्तों, भारत के ऐसे वीर सपूत को हमारा सलाम। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह ने शहीद होने से पहले रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव से कहा था कि तुम जाओ और बताना कि हम आखिर तक कैसे लड़े थे, सबको हमारे जवानों का शौर्य पता चलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपसे आज एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि भारत के बहादुर सैनिकों की वीर गाथा को पूरा भारत जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।